हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश सर वंस अगेन इन शॉर्ट फॉर डिसोल्यूशन चैप्टर, राइट। दोस्तों ये चैप्टर जो है आपको पता होगा आपके एग्जाम में कंपलसरी चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर के अंदर आपको करना कैसा है, पढ़ना क्या है, सबसे पहली तो हम लोग अभी डिसोल्यूशन के ऊपर में पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं कि स्टडीज के लिए हम लोगों ने डिसोल्यूशन का कितना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर मोर और लेस मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों तो वंस अगेन आई कैन से 5 questions आर इनफ फॉर द डिसोल्यूशन चैप्टर। 5 questions आई सेड, कितने क्वेश्चन, 5। अब ये 5 questions का पोर्टफोलियो आप किस बेस पे बनाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके 5 questions के पोर्टफोलियो में कवर होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले होता है एक बेसिक क्वेश्चन जो कि सिंपल है, मैं आपको एडवाइस करूंगा अगर बिल्कुल मत डालिए क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में, उसके ऊपर में बेसिकली आपको ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें 4 या 5 adjustments होंगी। 4 या 5 adjustments वाले क्वेश्चन बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस में काउंट नहीं होते डिसोल्यूशन चैप्टर के, क्योंकि जिसमें 2 या 3 adjustments है वही टाइप के क्वेश्चन बेसिक में काउंट होते हैं। माय एडवाइस इज कि 3 से 2 adjustments वाले क्वेश्चन को अवॉइड करें, 3 से 4-5 adjustments वाले क्वेश्चन को प्रीफर करें, राइट। तो पहले 2 questions आप जो उठाएंगे उसमें 4 से 5 adjustments होनी चाहिए। दूसरा, ये 2 questions होने के बाद आपको मैं बताऊंगा आपको किस टाइप के एडजस्टमेंट्स आपको होनी चाहिए, राइट सर। दूसरे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, एक इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चंस आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए, एक से बेटर है कि आप 2 ऐड कर दीजिए। तो 2 इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन अगर आप ऐड कर देते हैं तो इनडायरेक्टली आपका डिसोल्यूशन पूरा कवर हो जाता है, राइट। अब दोस्तों आते हैं कि कौन से एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में कवर करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 2 questions वो और 2 questions वो, टोटल 4 हो गए, तो फिर आपने नए 2 questions या फिर 1 question कैसे ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं अभी डिसोल्यूशन में 1 question कौन सा ऐड करो तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसा क्वेश्चन ऐड करो जिसके अंदर में बैलेंस शीट में काफी सारे आइटम हो, एटलीस्ट बैलेंस शीट के अंदर में लाइबिलिटी में 6 से 7 आइटम होने चाहिए और असेट के ऊपर में 7 से 5 आइटम होने चाहिए, 10 आइटम होने चाहिए। मैं एडवाइस कर रहा हूं आप लोग ऐसे क्वेश्चन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उससे दोस्तों होता क्या है कि आपका क्वेश्चन फुल कवर होता है। और इन 5 से 6 या 10-12 आइटम वाले क्वेश्चन में आपको एक एडवाइस रहेगी कि आप लोग लोन वाला भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करें जिसमें वाइफ का लोन होता है या फिर पार्टनर का लोन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका डिसोल्यूशन चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट कवर हो जाता है, राइट। दोस्तों मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि सर एक टफ एडजस्टमेंट होती है जो आती है क्या 90%, मतलब कि एग्जाम में आती है क्या। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि डिसोल्यूशन का सजेशन ये है कि आप लोग टफ क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा बिल्कुल भी फोकस ना करें, जो बड़ी एक एडजस्टमेंट होती है जो इसमें उस टाइप का लिखा होता है कि 10,000 की फिक्स असेट का हिस्सा बेचा गया है, फिर बैलेंस डेटर्स को उसने रखा है, फिर जो बची हुई फिक्स असेट थी वो 40% पे सेल हो गई है, यानी थोड़ी सी मोटी एडजस्टमेंट होती है जहां पे एक असेट के 2 से 3 divisions दिए जाते हैं। यानी एक सिंगल असेट है उसको इसने रख लिया, फिर इतना पोर्शन इतने में बेच दिया, फिर इतने पोर्शन का ऐसा हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक देखे नहीं गए। आई मीन टू से आपको बताना चाहता हूं कि 10 में से ऐसे क्वेश्चन की चांसेस मतलब 2% के बराबर है। तो इसलिए आप लोग के पोर्टफोलियो में अगर ये क्वेश्चन ना रहे तो ज्यादा बेटर है, माई सजेशन। दिस इज इन शॉर्ट, सो आई एम गिविंग काइंड ऑफ अ सजेशन फॉर यू, ओके। दोस्तों आप डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, एज यू नो इट इज गेट ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम द बैलेंस शीट फर्स्ट, उसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमेशा कोशिश करिएगी कि जर्नल एंट्री और लेजर दोनों का प्रिपरेशन करेंगे। एडवाइजेबल ये है कि जो 5 questions आपके पोर्टफोलियो में आएंगे उसी 5 questions में आप जर्नल की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में उसी 5 questions में आप लेजर की भी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब दोस्तों मैं अगर ऐसे बोलू आपको तो 50-50% चांस होता है कि एग्जाम में जर्नल भी पूछ सकते हैं और लेजर भी पूछ सकते हैं। रिसेंट डेज में देखा गया है कि डिसोल्यूशन के ऊपर में जर्नल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों एडवाइजेबल ये आपको रहेगा कि आप जर्नल की भी परफेक्ट प्रैक्टिस करिए और साथ में लेजर की भी आप प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन से आप बच सकते हो, यानी कि इसमें स्कोर कर सकते हो। नॉर्मल अदर एडवाइस हमेशा की तरह वही बोलूंगा कि आपकी हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, काट और पीट आपकी कम होनी चाहिए और साथ में आप लोग नीट एंड क्लीन तरीके से पेपर को सॉल्व करें और एक्यूरेसी पे थोड़ा और ज्यादा फोकस करें। दोस्तों इतना कर लिया तो आप डिसोल्यूशन में पूरा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन शॉर्ट के। थैंक यू फ्रॉम राजेश सर, बाय।